नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल पंडित ब्रोज में। मैं नाम है लोकेश पंडित। मैं नाम है रोहित पंडित। सो दोस्तों, आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। उस वीडियो का टाइटल है पाकिस्तानी स्कॉलर ने क्या बोला नूपुर शर्मा के बयान में मोहम्मद अली मिर्जा। दोस्तों, इस वीडियो में मेरे ख्याल से उन्होंने नूपुर शर्मा के बारे में चाहे गलत बोला या सही बोला है, वो इस वीडियो को देखने के बाद ही पता चलेगा। आइए दोस्तों, इसको मिलकर देखते हैं, इस वीडियो में ऐसा क्या खास है। उससे पहले दोस्तों, अगर हमारे YouTube चैनल पे नहीं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। पहला मुजरिम तो वो मुसलमान है जो किसी के रिलीजन के बारे में इस तरीके से लाइव टीवी प्रोग्राम के अंदर आके बात कर रहे हैं। उस औरत के आपको जवाब के अंदाज से पता चल जाएगा कि वो रिबटल कर रही है, क्योंकि जब वो मुसलमान ने वो बात की तो उसने कहा कि अच्छा, आप अगर इस तरह की बातें करोगे ना तो हम भी ये कहेंगे। समर्थन किया एक तरह से। पहले तो आप वो सिनेरियो देखें उस टीवी प्रोग्राम का। उस टीवी प्रोग्राम के अंदर पहल जो है मुसलमान की जानिब से हुई है, उसका आपको अंदाजा होगा। अभी तो अधूरे क्लिप चल रहे हैं, वो भी बड़ी मुश्किल से मुझे एक क्लिप मिला है और ज्यादातर तो उन्होंने गायब ही कर दी है सोशल मीडिया से, खुद भी उन्होंने कटिंग कर दी। तो रियल टाइम किसी ने रिकॉर्ड कर लिया था टीवी प्रोग्राम से, तो वो चल रहा है। तो उस औरत के आपको जवाब के अंदाज से पता चल जाएगा कि वो रिबटल कर रही है, क्योंकि जब वो मुसलमान ने वो बात की तो उसने कहा कि अच्छा, आप अगर इस तरह की बातें करोगे ना तो हम भी ये कहेंगे। तो ये पहला मुजरिम तो वो मुसलमान है जो किसी के रिलीजन के बारे में इस तरीके से लाइव टीवी प्रोग्राम के अंदर आके बात कर रहा है। और ये बिल्कुल कोई कुरान और सुन्नत की तालीमात नहीं है कि आप किसी के रिलीजन का मजाक उड़ाएं, जबकि वो आपके मुखालिफ कोई रिलीजन है। चर्चे को बहुत इनके बयान के पहला मुजरिम तो वो मुसलमान है जो किसी के रिलीजन के बारे में इस तरीके से लाइव टीवी प्रोग्राम के अंदर आके बात कर रहे। उस औरत के आपको जवाब के अंदाज से पता चल जाएगा कि वो रिबटल कर रही है, क्योंकि जब वो मुसलमान ने वो बात की तो उसने कहा कि अच्छा, आप अगर इस तरह की बातें करोगे ना तो हम भी ये कहेंगे। भाई, जो वीडियो देख के मुझे जो हमें समझ में आया, मैं ऐसा लगा कि मतलब कि ये नूपुर शर्मा के बारे में कुछ गलत बोलेंगे, मगर इन्होंने उनका तो सपोर्ट करा, उनका समर्थन करा और मुझे सुन के इतना शॉक्ड हुआ। मतलब कि जो ये मुस्लिम होके इन्होंने जो हिंदू मतलब हमारी जो नूपुर शर्मा उनका जो समर्थन करा, बहुत अच्छा लगा देख के। हाँ, और अगर हम देखा जाए तो हमने मतलब जो इसका इस्लामिक स्कॉलर है, हमने उन पर बहुत वीडियो पर रिएक्शन कराया नूपुर शर्मा से रिलेटेड भी, और उन्होंने बिल्कुल मतलब अपोज में बोला नूपुर शर्मा के, मतलब इन्होंने ऐसा बयान गलत बोला, इनको ऐसा बोला नहीं चाहिए। जो हमने ये फर्स्ट स्कॉलर देखा मतलब पहली बार, तो इन्होंने मतलब सपोर्ट किया नूपुर शर्मा का। हर उन्होंने ये भी बोला कि आप किसी डिबेट में जाओ, और लाइव टेलीकास्ट हो रहा था उस वीडियो का, मतलब उस जो ये डिबेट हो रही थी और उसमें जो इनके जो समर्थक थे, जो मतलब कि अपोजिट साइड जो मुस्लिम साइड थी और ये हिंदू साइड थी, उन्होंने पहले इनको भड़काया, इनको इनके मतलब कि हमारे भगवान के बारे में उन्होंने पहले गलत बोला है, फिर उन्होंने बोला कि मैं, मुझे भी पता आपके भगवान कैसे हैं, मैं आपके भगवान के बारे में भी बोल सकती हूँ। फिर उन्होंने इनका जो जवाब दिया था और उन्होंने बताया भी इस वीडियो में, जो ये जो स्कॉलर हैं ये जो मतलब इन्होंने बताया भी कि पहले उन्होंने उसको आया गया था, फिर उन्होंने इनका रिप्लाई दिया था, तो अब इस पर विवादित हो गया था बयान ये। हाँ, और जैसा कि इन्होंने बताया कि जो पहला मुसलमान है वो मतलब उनकी गलती है, और उनका नाम इन्होंने बताया जो तस्लीम अहमद रहमानी है, मतलब उनका मतलब एक तरह से देखा जाए तो सारी गलती उनकी, क्योंकि उन्होंने पहले उनको नूपुर शर्मा को उत्साह था कि मतलब कि उन्होंने पहले हमारे भगवान से रिलेटेड कुछ ऐसा बोला था, तो फिर उन्होंने कुछ ऐसा बोला।
हाँ और ज़्यादा वीडियो जब वायरल होगी तो लोगों ने सब ध्यान नहीं दिया, जो हाँ जो ये मुसलमान जो ये इसमें भी डिबेट में थे उन्होंने क्या बोला नहीं बोला, सब नीपुर शर्मा पे बेचारे का दोष देने लग गए कि इन्होंने क्या बोला। उन्होंने तो उनका रिप्लाई दिया था कि उन्होंने जो गलत बोला तो गलत का जवाब गलत से ही देता जाता है, मतलब कि ईंट का जवाब उन्होंने पत्थर से दिया था, जबकि उनका बयान बहुत ही बुरा लग गया लोगों मुस्लिम जो धर्म के लोगों को थे। मगर ये कुछ ऐसे लोग भी हैं, कुछ ऐसे तथ्य भी हैं जो ऐसे मुस्लिम मतलब कि स्कॉलर भी हैं जिन्होंने उनकी बात का समर्थन ग्राउंड को बताया भी कि आप लाइव हाँ टेलीकास्ट चल रहा है और आप उनको भड़का रहे, तो वो ऐसा रिप्लाई तो करेगी, वरना अगर रिप्लाई नहीं करते तो हिंदू धर्म वाले बोलते क्या हाँ उनको रिप्लाई नहीं दिया मुस्लिम वालों का आप सुन के आगे, तो सब पे वो दोनों बातों में ही उनकी वो गलत ठहराई गई जाएंगी। हाँ और अगर बात देखा जाए तो मतलब देखा जाए तो ये छोटी सी बात को भी इतना बड़ा कर दिया उन्होंने, मतलब एक तरह से जो कंट्रोवर्सी है इतनी बड़ी ले गए थे, मतलब ये दंगाओं पे आ गए थे, मतलब एक तरह से इसमें पॉलिटिक्स भी आ गई थी, तो सारे मतलब ये कह रहे थे कि इसमें ये है वो, कोई बीजेपी मतलब इसमें नाम लेता पॉलिटिक्स लेता, मतलब ये चीज़ है, मतलब ये छोटी सी चीज़ को इन्होंने इतना बड़ा कर दिया था, मतलब हाँ और को आप कुछ कोई बात बुरी बात बोलोगे और वो बुरी बात वो सुन बंदा सुन ले, जिस बुरे के बारे हाँ आप जिस बंदे के बारे में बुरी बात बोल रहे हैं तो वो उसका रिप्लाई अलग तरीके से दे सकता है, वो आपके लड़ाई भी कर सकता है, आपको भी बुरा भला हाँ कर सकता है, और फिर ना उसकी आपने बात सुन के कि उसने क्या बोला आप उस पर सुनी वो बात करो कि उसने क्या रिप्लाई दिया, आप उस बात को बुरा मान के बैठ जाओ, मगर पहले आपको अपने अंदर भी तो झांकना चाहिए कि आपने बोला क्या है, आपने मतलब कि क्या आप बोल रहे हो किसी रीजन के बारे में या धर्म के बारे में, क्योंकि अपना धर्म सबको प्यारा होता है और कोई भी उसके बारे में गलत नहीं सुन सकता, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। सो दोस्तों ये थी हमारी ओवरऑल वीडियो, आपको पसंद आता प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि हम नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पर बनाएं। नमस्ते नमस्ते दोस्तों। दोस्तों।